एसआरपी की डेडलाइन पर जनता ने मांगा और वक्त, बोले लोग वेबसाइट चल रही है क्रैश, लिहाजा जुर्माने पर लगे रोक, मिले और वक्त। किसान आंदोलन का आज एक महीना पूरा, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रोटेस्ट लगातार जारी। किसानों की पहचान को दिए जा रहे किसान बैच, सुबह शाम गश्त करता है किसानों का सुरक्षा दस्ता। पंजाब गार्डन में इस बार फीकी पड़ गई क्रिसमस की रौनक, कोरोना से एहतियात को लेकर चर्च में नो एंट्री, चर्च में जाने को लालायित दिखे छोटे छोटे बच्चे। कोरोना के नए स्ट्रेन पर डॉक्टर की हिदायत, 3 लोगों में कोरोना फैलाता है एक पॉजिटिव, टेस्ट के बाद रिपोर्ट आने तक न घूमे बाहर, इंग्लैंड से दिल्ली आए 5 मरीजों ने की थी लापरवाही। दिल्ली ऑटो रिक्शा यूनियन का सीएम केजरीवाल पर निशाना, ऑटो किराया बढ़ाने के नोटिफिकेशन को बताया मनमर्जी, बोले यूनियन महासचिव, कोर्ट के दबाव में लिया गया फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स और कलर कोड वाले फ्यूल स्टिकर्स पर सख्ती को लेकर आम जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि इसके लिए उन्हें अभी और टाइम मिलना चाहिए क्योंकि साइट भी क्रैश चल रही है, बुकिंग फुल है और कोरोना काल के माहौल में ज्यादा भाग दौड़ भी नहीं हो सकती। लोगों ने कहा कि जुर्माने पर भी रोक लगानी चाहिए। देखिए यह खास कवरेज। एकदम से ही ये नियम को लागू कर दिया गया, तुरंत न्यूज़ मिलती है कि जी ये सोमवार से एप्लीकेबल है, चलान है इस पर। एक बात मेरे को केजरीवाल सरकार से पूछनी है, ये जो पहले नंबर प्लेट आई थी हाई सिक्योरिटी, अगर ये चोरी हो जाती है गाड़ी तो इतनी गाड़ियां चोरी हो रही हैं वो कहाँ जाती हैं, मिलती क्यों नहीं है? अब वो स्कीम आ गई है कि जी वो स्टीकर लगाओ, वो स्टीकर की कीमत 290 रुपये की है गाड़ी की। अब वो स्टीकर लगाने से क्या फ़ायदा होगा ये तो किसी को बताया नहीं जा रहा। अगर मैंने खुद अपनी गाड़ी के लिए कल अप्लाई किया, 290 रुपये मेरे कटे और 3 जनवरी की मेरे को तारीख मिली है वो स्टिकर लगने के लिए। अब 3 जनवरी तक मैंने 290 पे कर दिया, सिर्फ मेरे पास एक डॉक्यूमेंट मिला है। तो ये तो सिर्फ मेरे को धंधेबाजी लग रही है कि केजरीवाल सरकार के पास पैसा नहीं है और पैसा कमाने के लिए वो ये चीज़ें कर रहा है। 290 रुपये वो, और अगर हम नहीं करते तो 5500 रुपये का चलाने वो स्टिकर का और 5500 रुपये का ही वो नंबर प्लेट का, जिसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा घटिया है कि उसके नंबर अपने आप मिट जाते हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों के लिए इस कोरोना के टाइम पे, इन्होंने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। बंदे के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, बुकिंग फुल चल रही है, साइट क्रैश है, बंदा करेगा तो करेगा कहाँ से? ये सरकार को समझना चाहिए, अभी और टाइम मिलना चाहिए, अभी बिल्कुल और टाइम मिलना चाहिए। जुर्माना 5500 रुपये वो हटाना चाहिए इसको, या तो कुछ और स्कीम लेकर के आनी चाहिए इसकी जगह। बट अगर ये स्कीम है 5500 की कर रहा है तो उसको और टाइम देना चाहिए। अभी जो आम जनता उसको तो कितने फैमिलीज इनको पता ही नहीं है इसके बारे में। सर इसके लिए जरूर टाइम मिलना चाहिए। ये HRSP जो प्लेट है इसका बहुत ज़्यादा लंबा समय मिल रहा है, मार्च तक की बुकिंग मिल रही है, जनवरी की मिल रही है, जो हमारे घर तक नहीं पहुँच रही और पुलिस वाले जो इस चीज़ को नहीं मान रहे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज एक महीना हो गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। वहीं किसान इस बात का भी ध्यान रखे हुए हैं कि कहीं कोई बाहर का व्यक्ति आकर उनके प्रोटेस्ट को बदनाम ना कर दे, जिसके चलते गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम किए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ जगह कुछ किसान सुबह शाम की ड्यूटी के तौर पर तैनात रहते हैं, जो किसी पर शक होने पर उसका आधार कार्ड चेक करते हैं। वहीं कुछ ऐसी स्टॉल भी लगाई गई हैं जिन पर किसान से जुड़े कार्ड और बैज बेचे जा रहे हैं। दुकानदार किसान का कहना था कि ये इसलिए वितरित किए जा रहे हैं ताकि आंदोलन में शामिल होने आ रहे किसान यहां से कार्ड खरीदकर अपने जिला के हेड से उस कार्ड पर मोहर लगवा सकें, जिससे इंसान की पहचान की जा सकेगी। वहीं बॉर्डर पर युवाओं की भी भारी भीड़ है। युवा इस प्रोटेस्ट के दौरान अपने मनोरंजन में भी कोई कमी नहीं आने दे रहे। प्रोटेस्ट के बाद वो ट्रैक्टर पर गाने चलाकर या हाईवे पर वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलकर अपना मनोरंजन कर रहे हैं। कारण ये है कि बीच में आपने तमाम ऐसी घटनाएं देखी होगी कि कहा गया कि कुछ अराजक तत्वों का आ जाते हैं, तो ये जो कार्ड है ये कार्ड जितनी भी लागत है उस लागत में दिए जा रहे हैं। पर इस कार्ड ये बिल्ला और टोपी तो कम पहचान है, मेन है ये हर किसानों के पास ये कार्ड होना ज़रूरी है। जो किसान आज कार्ड लेके जा रहे हैं वो अपने ज़िले के जिलाध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष, इनके कॉलम है नीचे,
उनमें दस्तखत मुहर करवाएंगे तभी ये कार्ड मान्य पाया जाएगा। और इस कार्ड के अलावा कोई टोपी या बिल्ला लगा के घूमता है, कार्ड उसके पास अमुक व्यक्ति के पास नहीं है, वो पकड़ा जाता है तो उसकी उस जिले के जिला अध्यक्ष से वेरीफाई करवाई जाएगी। अगर वेरीफाई में वो सही पाया गया तो ठीक है। जैसा कि कल रात में भी एक घटना घटित हुई कि टोपी लगाकर एक यहीं का लोकल कोई नोएडा का रहने वाला व्यक्ति यहाँ पे अभद्रता मीडिया के साथ कर रहा था, जब उसको पकड़ा गया तो वो ड्रिंक किए हुए थी, जब उससे उसके जिला पूछा गया तो उसने गौतम बुद्ध नगर जिला बताया, यहाँ के जिला अध्यक्ष बुला के पूछा गया, उस जिले का कार्यकर्ता नहीं निकला, उसको रात में ही हमने गाजियाबाद पुलिस को सब हैंड ओवर किया। ये कार्ड 5-6 से लेके 8 रुपया के बीच में। उनके आधार कार्ड चेक कर लेते हैं तो कुछ कई बार आजकल बाहर से लोग आ रहे हैं, आपको पता है कि ये आंदोलन को दूसरी तरफ मोड़ने का हो जाता है, तो उससे हम थोड़ा सा कुछ थोड़े सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं क्योंकि बाहर का आदमी या कोई कहने का मतलब कोई शरारती आदमी ना आके यहाँ पर कोई शरारत कर दे, तो उससे हम थोड़े मेजर्स ले रहे हैं। क्रिसमस की रौनक इस बार फीकी पड़ गई। कई परिवारों के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बड़ी उम्मीद और उत्साह से चर्च पहुंचे, लेकिन कोरोना से बचाव को लेकर एहतियात के चलते लोगों को चर्च के अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली। इसके बाद छोटे बच्चे उदास दिखे और चर्च के गेट की जालियों से अंदर झांकते दिखे। वहीं चर्च के पादरी और मेंबर ने कहा कि चर्च में प्रेयर की जा रही है कि कोरोना वायरस खत्म हो जाए और लोग फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जी पाएं। मैरी क्रिसमस दोस्तों। जी हाँ, आज क्रिसमस है यानी कि बड़ा दिन जिसे कहा जाता है और धूमधाम से इसे सेलिब्रेट भी किया जाता है। खासकर जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं वो इसे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम लोग, तमाम तरीके के कॉलोनी के बच्चे जो हैं वो अक्सर इस दिन चर्च आया करते थे, लेकिन इस बार COVID-19 का दौर चल रहा है और ऐसे में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं और किस तरीके का माहौल चर्च में बना हुआ है, फिलहाल इसकी जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ फादर मौजूद हैं, उनसे आगे की जानकारी लेंगे। इस बार हम बहुत दुखी में है क्योंकि हर साल हमारा सारे लोग अंदर आता था, प्रेयर करता था, यीशु का कुर्बान लेता था, ब्लेसिंग्स लेता था, इस बार कोई भी अंदर आ नहीं पा रहे, हम भी किसी को कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन हम अपना तरफ से 100-200 लोगों के लिए खाना आज खिला रहे, जितना भी कर सकता है उतना कर रहे, लेकिन पिछले साल की वजह से, पिछले साल के साथ देखेगा तो हम बहुत दुखी में है क्योंकि लोगों को हम इतना सेवा नहीं कर पा रहे जितना पिछले साल कर रहा था। हम रोज़ यही प्रेयर कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये समस्या हमसे दूर जाने के लिए हम बहुत प्रेयर कर रहे हैं, हम फास्टिंग कर रहे हैं, व्रत ले रहे हैं, ये सब इनके लिए कर रहे हैं, पूरा दुनिया इन महामारी से बचने के लिए। तो हम सब लोग, सिर्फ मैं नहीं, हमारा चर्च का जितना भी लोग है, सब लोग 25 दिन का व्रत लेके लोगों के लिए प्रेयर कर रहा था, पूरा दुनिया के लिए प्रेयर कर रहा था, हर दिन यहाँ पे प्रेयर हो रहा था पिछले 25 दिन से, क्योंकि हम हर साल जो है यहाँ पे प्रोग्राम बनाता थे कि यहाँ पे टैबलों के हिसाब से हमारे जीसस क्राइस्ट का जन्म से लेके उनका क्रूसिफिकेशन इसका बात का सब कुछ एक टैबलों में हम इसको सबको दिखाते थे। ये सारे बच्चे जितने भी बाहर खड़े हैं वो सब आते थे, वो देखते थे, वो एंजॉय करते थे, इसका साथ साथ हम उनको केक भी बांटते थे और क्रिसमस इनके साथ हम सेलिब्रेट करते थे। लेकिन आज के जो कोविड के जो प्रोटोकॉल के हिसाब से हम ये कर नहीं पा रहे, हमें बहुत दुख है, बहुत निराशा है इनके साथ, इनसे ज़्यादा निराश हम हैं। मैम, अभी भीड़ भाड़ के वजह से कोई आने जाने नहीं दे रहा है क्योंकि कोरोना है, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर यही है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा, इसी वजह से अंदर नहीं। मैम, निराशा की कोई बात नहीं है, बस ये खुशी है कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सबको ज़्यादा तसल्ली दे रहे हैं। हमारा तो खैर ये है कि हम तो मान जाएंगे, बच्चे नहीं मान रहे हैं, तो बच्चों को तसल्ली देना मुश्किल पड़ रहा है थोड़ा सा। वो अभी भी देखो हाथ जोड़ के यहाँ खड़े हैं और यही कह रहे हैं कि पापा जी कैसे करके हमें अंदर बुला लो, देखो क्यों नहीं बता रहे हैं, क्या बात है, हम आज ही देख रहे हैं। फिलहाल आपको तस्वीरों में दिखाया ही है कि छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जो हैं वो आए ज़रूर, लेकिन उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं मिली है, परमिशन नहीं थी क्योंकि कोविड है और ऐसे में ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और वो कोविड जैसी बीमारी जाने अनजाने में एक दूसरे पर फैल ना जाए, इसको देखते हुए यहाँ पर इस तरीके का जो डिसीजन है वो लिया गया था, इंतज़ाम किए गए थे। लेकिन बावजूद इसके छोटे छोटे बच्चे हमें यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से विंडो के माध्यम से अंदर आने की
अनुमति के बिना भी वो सोच रहे हैं कि कम से कम क्रिसमस ट्री जो यहाँ लगा है, जो कुछ इंतज़ाम किए हैं, उसको बाहर से ही देख लें और बाहर से ही सेल्फी या फिर फोटोग्राफ्स ली जा रही हैं। लेकिन इस बार कोविड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ फादर ने हमें बताया है कि जब जब प्रेयर की जा रही है तब तब ये कहा जा रहा है उस प्रेयर में यीशु मसीह से कि ये जो कोविड है, ये जो बीमारी है, जल्द से जल्द वापस लौट जाए और पुरानी जैसी ज़िंदगी में सब लोग आ जाएं। ऐसे में इसी कामना के साथ आपको एक बार फिर से मैरी क्रिसमस। कैमरा पर्सन मोहित के साथ में वंदना कश्यप, कैंट, CCN। इंग्लैंड में कोरोना का नया स्ट्रेन आने के बाद दिल्ली में 5 लोगों द्वारा लापरवाही बरते जाने पर हमने डॉक्टर से इस बारे में बात की है। इस बारे में डॉक्टर अनिल गोयल और डॉक्टर माथुर का कहना है कि एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए सख्ती जरूरी है, क्योंकि लापरवाही से बाकी लोगों के लिए रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अगर ऐसे लोग पॉजिटिव होकर भी बाहर घूम रहे हैं तो एक पॉजिटिव 3 लोगों में कोरोना का इन्फेक्शन फैलाता है। इस बारे में डॉक्टर की क्या कुछ हिदायतें हैं, आइए जानते हैं। ट्रीटमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड सर्विलेंस, जिसको हम TIS कहते हैं, तो इसी कारण से शायद थर्ड वेव आई दिल्ली में। ये तो आप विदेश से आने वाले बात कर रहे हो ब्रिटेन के, लेकिन मैं तो ये देखा कि यहाँ पर जो पॉजिटिव लोग थे वो भी मार्केट में घूम रहे थे, उनके सर्विलेंस ही नहीं हो पा रहे थे, उनके कॉन्टैक्ट्स के सर्विलेंस तो होने की बात ही अलग हो गई। इसलिए कहीं ना कहीं इसको और एनफोर्समेंट को और बेहतर करना होगा, खास तौर से इस दिशा में, जबकि ब्रिटेन में सेकेंड और थर्ड वेरिएंट एक और आया म्यूटेंट, और जो बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन फैलाता है और वो फास्ट सुपर स्प्रेडर की तरह इन्फेक्शन फैलाता है। इसलिए अब जनता को भी जागरूक होना है, गवर्नमेंट एजेंसीज को भी, और एनफोर्समेंट करना है कि जो भी पॉजिटिव आएगा उसके कॉन्टैक्ट्स को तलाशना है, उसके द्वारा जैसे कि वो क्या आसानी है, जहाँ वो रहते हैं अगर उसके साथ में जो लोग रहते हैं वो क्लोज कॉन्टैक्ट हो गए, उनके तो टेस्ट होने चाहिए, उसके घर के सब लोगों के टेस्ट होने चाहिए, उसके बाद आसपास वो कहाँ कितनी देर मार्केट में गए, कितने क्या है, वो तो एक अगर आप उनसे पूछेंगे जो पॉजिटिव लोग हैं तो वो बताएंगे। तो इस प्रकार से उन कॉन्टैक्ट्स का आइडेंटिफिकेशन होगा, उनका टेस्ट होगा। गाइडलाइंस क्लियर है, इनके इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है, जनता को भी उसको समझने की ज़रूरत है कि मेरी भी जिम्मेदारी है कि अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं अपने आसपास वाले लोगों से अलग रहूँ, अपने घर में होम क्वारंटाइन में रह सकता हूँ तो होम क्वारंटाइन, नहीं तो अस्पताल में भर्ती होना है। ये डिपेंड करता है माइल्ड मॉडरेट सीवियर डिजीज़ किस तरह की है, तो रहूँ। तो जनता की भी जिम्मेदारी है और गाइडलाइंस को फॉलो कराने की सरकार की भी जिम्मेदारी है, और सरकार को कर रही भी हैं, लेकिन और शायद ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा इन्फोर्समेंट की आवश्यकता। जब जब टेस्ट होता है तो जिन लोगों का टेस्ट होता है वो टेस्ट की रिपोर्ट आने तक उन किसी से मिलना नहीं चाहिए, उनको अपने घर में रहना चाहिए, और एक बार टेस्ट की रिपोर्ट अगर ठीक आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तभी घर से निकलना चाहिए। जैसा कि आपको ज्ञात है कि एक कोरोना का पेशेंट मिनिमम 3 लोगों को ये बीमारी दे सकता है, और वो 3 पे 9 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा, तो ये इमीडिएटली एक्सपोनेंशियली एकदम से इन्फेक्ट करेगा। तो मैं फील करता हूँ कि कोरोना का जो RT-PCR टेस्ट है उसकी रिपोर्ट 24 घंटे में आती है, तब तक उस पेशेंट को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और किसी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। दिल्ली सरकार द्वारा ऑटो के बढ़े किराए को फिर से नोटिफाई किए जाने पर दिल्ली ऑटो रिक्शा यूनियन ने CM केजरीवाल को आढ़े हाथों लिया है। यूनियन के महासचिव राजेंद्र सोनी का कहना है कि केजरीवाल अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नोटिफाई करने का ये फैसला भी तब आया है जब कोर्ट की शरण ली गई। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा ऑटो परमिट बंद किए हुए हैं, जिसकी वजह से ऑटो वालों को परेशानी हो रही है, ऑटो के मीटर पास नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ड्राइवर परेशान हैं, और अपने हक के लिए ऑटो वालों को बार बार कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने किराए में इजाफे को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पहले 1.5 किलोमीटर के लिए 25 रुपये और उसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 9.50 रुपये यात्री से लेने की बात कही गई है। केजरीवाल सरकार ने 12 जून को जब किराए बढ़ाए थे, ये नोटिफिकेशन की कापी है दिल्ली गवर्नमेंट की, और ये जब किराए बढ़े थे चुनावों का टाइम चल रहा था, केजरीवाल साहब ने यह कहा था आलन बानन में किराए बढ़ा दो, मेरे को इसका लाभ मिल जाएगा। मगर दुर्भाग्य वाली बात है, दिल्ली सरकार को समझ नहीं थी, और मैं तो कहूँगा ये बेवकूफ़ की सरकार है, इन्होंने LG साहब से परमिशन नहीं ली। वो क्या हुआ, चलता रहा 2-3 महीने चलता रहा, मीटर भी रिवाइज हो गए। रिवाइज होने के बाद कोई आदमी हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गया, भाई क्या नाम है, जिसने ये कह दिया ये किराए गलत बढ़े हैं, और क्या नाम है, स्टे लग गया। निकम्मापन केजरीवाल सरकार का था, इन्होंने LG साहब से परमिशन नहीं ली, और जो भुगतना पड़ गया ऑटो रिक्शा वालों को, किराए तो हमारे वही चलेंगे,
मगर यार बारह में मैंने बताना है, जब हाई कोर्ट के अंदर हमने ये फिटनेस नहीं हो रही, मीटर पास नहीं हो रहे, जब हमने याचिका लगाई तो दिल्ली गवर्नमेंट कहीं ना कहीं घबराई है, तो उन्होंने आनंद बानन में दोबारा ये चैन करवा लिया। चैन करवाने के बाद और एलजी साहब से फैल चैन करवा के लिए आए हैं, ये पहले करा लेते ना एलजी साहब से फैन, पहले भी तो करा सकते थे 12 जून को, वो तो करा ही नहीं उन्होंने। जब कोर्ट के अंदर फटकार लग रही है, कोर्ट के अंदर ये कह रहे हैं कहना हम 24 तलाक कर देंगे, अगर ये 24 तलाक नहीं करते, ये नोटिफिकेशन जो निकाला है उन्होंने, अपनी गलती नहीं मानते, तो कोर्ट इनके ऊपर सख्त एक्शन लेती। इन्होंने अनलीगल तरीके से जो किराया बढ़ा था और एलजी साहब के पास जो फाइल प्रॉपर ढंग से जानी थी, उसके पहले काम जो काम इन्होंने अब किया है वो काम इनको पहले करना चाहिए था, लेकिन 5 महीने 6 महीने जो आज गाड़ियां खड़ी हो गई हैं, जो गाड़ियों की फिटनेस रुक गई है, जो उनको इन गरीब लोगों के ऊपर जो है अब भारी बोझ पड़ेगा, वो तो केंद्र सरकार की देन है कि उन्होंने 31 दिसंबर तक जो है जुर्माने वॉलंटियर माफ़ कर रखे हैं कि लॉकडाउन को देखते हुए। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी में बुद्ध बाजार के पास प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। प्रशासन की अनदेखी के चलते यहां के झुग्गी निवासी ही अपनी जान के साथ साथ पूरे इलाके की जान जोखिम में डाल रहे हैं। आपको बता दें कि इस एरिया में 2 गैस एजेंसियां हैं और इन एजेंसियों में हजारों की संख्या में एलपीजी सिलेंडर हैं। इन्हीं एजेंसी से सटी हुई कुछ झुग्गी भी हैं और यहां के झुग्गी निवासी गैस सिलेंडरों के पास ही खुले में आग जलाकर किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। बताते चलें कि यहां गैस एजेंसी के ठीक सामने जहां गैस सिलेंडर लोड अनलोड होते हैं, उसके पास छोले कुलचे की ठेली लगाई जा रही है और खुले में आग जलाकर कुलचे गर्म किए जाते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और स्थानीय पुलिस को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी टीम जब यहां कवरेज करने गई तो आसपास के कुछ झुग्गी वालों ने इस पर नाराजगी जताई और यहां से जाने के लिए कहा। जब हमने उनसे उनका पक्ष भी रखने को कहा तो किसी ने भी कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन ने दिल्ली में पड़ रही ठंड को देखते हुए कंबल वितरण किया। मेयर निर्मल जैन ने आरडब्ल्यूए के लोगों के साथ मिलकर लोगों में कंबल वितरित किए। इस मौके पर मेयर निर्मल जैन ने कहा कि सर्दी ज्यादा हो रही है, जिसको देखते हुए उन्होंने कंबल वितरित किए हैं, इससे अब कुछ लोगों की सहायता हो सकेगी और वे अब सर्दी से बच सकेंगे। मास्क और कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं बड़े समाज सेवी हैं और सभी को अपने साथ में क्षेत्र वासियों की समस्याओं को ये हमेशा हल करते रहते हैं। बहुत कर्मठ समाज से भी मैं कहूँ अश्वनी सरस्वत को और नवल जी खड़े हैं हमारे। हाँ, ये गरीबों की सेवा के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आज इन्होंने कंबल वितरण का कार्यक्रम किया है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। तो कंबल और मास्क वितरण कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की का जो पालन है वो हम लोग करें, और मास्क वितरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल कोरोना है, कोरोना में मास्क बहुत ज़रूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, तो उसके ऊपर हम लोग ये कार्यक्रम किया है। हमारा आरडब्ल्यू है भोलानाथ नगर तेजामिल रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, उसके अंतर्गत ये काम हो रहा है। सर्दी का कहर तो हो ही रहा है, ऐसे में जो गरीब लोग हैं सड़कों पर फुटपाथ पर, उनके लिए बहुत समस्या है क्योंकि हम सब तो अपने घरों में कोजी बिस्तरों में रहते हैं, मगर ये बेचारे इनको क्या है, तो ये उनको कंबल मिलेगा तो उनको सर्दी से राहत मिलेगी। और ये सर्दी का जो आप रूप देख रहे हो अभी और भी बढ़ने वाला है, इन गरीबों के लिए तो ऐसी आरडब्ल्यू सामने आए जिससे कि ये ठंड का बचाव हो सके। आज सुबह भी अटल योजना के अनुसार हमने आज कंबल बंटवाए, अगर कोई कंबल मिलता है, हम लोग तो बड़े मोटे मोटे कंबलों में सोते हैं, इन लोगों के लिए तो इतना ही बहुत है। ये तो क्रिसमस ईसाई समुदाय का त्यौहार है, लेकिन सभी वर्ग के लोग इस पर खुशियां मनाते हैं। सबसे ज्यादा उत्साहित बच्चे रहते हैं, कोरोना काल में क्रिसमस की तैयारी में उनका उत्साह और भी बढ़ गया है। उनका मानना है कि सेंटा क्लॉज हम सबको इस मुसीबत की घड़ी से जरूर उबारेगा। आज 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर बच्चों के प्यारे सांता क्लॉज भी गिफ्ट्स की पोटली तैयार कर लोगों के बीच उनकी जरूरत की चीजों का वितरण कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के विज्ञान लोक इलाके में एक गैर सरकारी संस्था द्वारा सेंटा के रूप में गरीब लोगों को कंबल और स्वेटर जैकेट का वितरण किया गया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष का कहना था कि दिल्ली की ठंड में ये जैकेट और कंबल अगर इन जरूरतमंदों को कुछ फायदा पहुंचा सकें तो वो अपने इस कार्य में सफल रहेंगे। आज क्रिसमस डे की ईव है, आज इस प्रोग्राम को करने का मतलब यह है लोगों के अंदर ये जागरूकता फैलाने की, जिस तरीके से सेंटा क्लॉज क्रिसमस के दिन लोगों को गिफ्ट उपहार बांटता है,
आज कोरोना पैंडेमिक में लोग गरीब लोग बहुत परेशान रहे हैं और स्पेशली खाने से और कपड़ों से मोहताज, तो आज नए कपड़े वूलन क्लोथ्स उनको बांटे गए हैं और एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि क्रिसमस के दिन भी सभी लोग इसी तरीके से एक दूसरे की मदद करें। ये विज्ञान लोक में बांटे गए हैं, यहाँ पे जितने भी हॉकर्स हैं, ये सब्जी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, जो भी जे कॉलोनी के जो लोग हैं उनको ये कपड़े बांटे गए हैं। गरीब बच्चों को गर्म कपड़े बांटे हैं और जे कैंप के सारे बच्चे, रिक्शे वालों को, रेड़ी पटरी वालों को, उनकी मदद ये हमेशा करती रहती है, जैसे आज इन्होंने किया। आज इन्होंने काफी कंबल बांटे हैं और ये अच्छा काम हमेशा करती रहती है और आगे भी करती रहेंगी। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में पूर्व मेयर समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों को संबोधित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। आपको बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी ने किसानों से बात की और किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों के तमाम किसानों ने पीएम मोदी से बात की। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम की पूर्व मेयर अंजू कमलकांत ने कहा कि पीएम मोदी ने जो सम्मान राशि किसानों को दी है, इससे किसानों की काफी मदद हो सकती है। किसान इस राशि से खेती में जरूरत पड़ने वाली छोटी मोटी चीजें खरीद सकते हैं। पूरे देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और देश के गरीब किसानों की मदद करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी को मैं नमन करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इससे हमारे जो गरीब किसान भाई हैं उनको बहुत मदद मिल रही है। आज आप देख रहे हो देश की सरकार 100 रुपया भेज रही है तो डायरेक्ट 100 रुपया किसान भाइयों के अकाउंट में जा रहा है, तो किसानों को, किसान भाई भी इसको उत्साह के साथ ले रहे हैं, इसको त्योहार की तरह ले रहे हैं, उत्सव की तरह ले रहे हैं। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ हमारे देश की सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पहली बार किसान भाइयों के बारे में इतना सोचा। और पूरे देश का किसान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर के गुजरात, अपना आसाम तक का जो हमारा जो किसान भाई है, वो आपने देखा अभी अरुणाचल से भी बात की, उड़ीसा से भी बात की, मध्य प्रदेश से भी बात की, पूरे देश के किसानों से बात कर रहे हैं। ऐसा इस देश में बात करने वाले हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि 9 करोड़ जो हमारे किसान रजिस्टर्ड हैं, इनके पास 2000 पर किसान के हिसाब से 18,000 करोड़ अभी बटन दबाया, सीधे उनके अकाउंट में पैसे चले गए। और ये जो पंजाब के किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, एक किसान मात्र इसमें 10% है, बाकी तो दलालों की, जो दलाल की मंडियां वहां लगती हैं, उनके अपने कार्यकर्ता हैं जो इनको बरगला रहे हैं। किसान बोला है, किसान के हित में सारे अपने बिल आए हैं, तीनों बिल आए हैं, MSP और ऐसे ही 3 बिल आए हैं जिनका हम लोग समर्थन करते हैं और किसान भी इस चीज का समर्थन कर रहे हैं। किसान खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, जो विरोधी पार्टी है वो किसी भी तरीके का जो आंदोलन करे उससे कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी डायरेक्ट किसानों से बात करके ये जानना चाह रहे हैं कि किसान जो है वो इस वाकई इस बिल से खुश है या नहीं। और वाकई हमने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखी है उसमें हमें महसूस हो रहा है कि किसान पूरी तरीके से खुश है। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 3री स्पेशल कट ऑफ जारी करने की खबर पर पूर्वी दिल्ली के बे स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं जो पहले की कट ऑफ लिस्ट में नहीं आ पाए। स्टूडेंट्स का कहना है कि बे अब DU द्वारा जारी की जाने वाली 3री स्पेशल कट ऑफ आने पर उत्साहित हैं। उनका कहना है कि DU के इस कदम से अब वो स्टूडेंट्स भी DU में पढ़ने का सपना साकार कर पाएंगे जिनका एडमिशन पहले नहीं हो पाया। स्टूडेंट्स का कहना है कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय के इस निर्णय से बहुत खुश हैं और इस फैसले का समर्थन करते हैं। 7 कट ऑफ में एलिजिबल नहीं हो पाया, लेकिन उसके बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय ने हमारे को एडमिशन के लिए 2 स्पेशल कट ऑफ भी जारी की थी जिसमें मेरा नंबर नहीं आ पाया। लेकिन अब मुझे खुशी हो रही है जान के कि दिल्ली विश्वविद्यालय हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए एक 3री स्पेशल कट ऑफ जारी करे ताकि दिल्ली विश्वविद्यालय में बच्चे जो सपना देखते हैं पढ़ाई का वो पूरा कर सके। उसका 28-29 को हम एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 29 तक हमारी वेरिफिकेशन हो जाएगी और 31 तक हम अपनी फीस को जमा कर सकते हैं। ऐसा दिल्ली विश्वविद्यालय ने हमारे को जाहिर करके न्यूज़पेपर में दिया है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में स्पेशल 3री कट ऑफ का समर्थन करता हूँ क्योंकि मेरा पिछली 2 स्पेशल कट ऑफ में मेरा नाम नहीं आया था। मैं एक छात्र हूँ, मैंने अभी 12वीं पास करी है, तो मेरा किसी वजह से एडमिशन नहीं हो पाया किसी भी कट ऑफ के अंदर। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि DU ने अब की बार, मैं काफ़ी टाइम से वैसे वेट कर रहा था कि शायद 3rd कट ऑफ में निकल जाए ताकि मेरा एडमिशन हो जाए, तो अब की बार DU ने जो 3rd कट ऑफ निकाली है उसकी काफ़ी स्पेशल जो 3rd कट ऑफ निकाली है तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि मेरा शायद इसमें एडमिशन हो जाए। और मैं अभी भी बहुत ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।
है।